दोस्तों हम अब पौधे को सुखा देते हैं, हम अब पौधे को सुखाते हैं। चलो हम अब कपड़ा ले लेते हैं। दोस्तों ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पौधे सुखंदी बहुत लोगों अच्छी होती है। उनकी उनको है ना जॉब पे जाना पड़ता है, पर उनकी बीबिया घर के काम में लगे रहती है, पर है ना उनको ज्यादा है ना शिकंदी पीनी है कम टाइम में। तो पौधे को सुखा के है ना उसका पाउडर बना के है ना सुखा के पाउडर बना के दो चम्मच डाल के पी लो। हम अभी पौधे को उठा लिए हैं, चलो अब हम इसको धूप में सुखाने के लिए चलते हैं। अब हम इसको ऐसे करके तोड़ तोड़ के फैला देते हैं। चलो दोस्तों हमने पौधे को सुखा दिया है, करीब उसको एक दिन सुखाना है। और देखो ऊपर आसमान बारिश आई थी, आप भी देख सकते हो। चलो दोस्तों पौधे को पीसने के लिए पहले प्लेट लेने चलते हैं। चलो हम दोस्तों अब चलते हैं पुदीना पीसने के लिए। अब हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, चप्पल साइड में खोल देंगे। अब हम इसको ऐसे खोल लेते हैं, इसमें कोई इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ज्यादा घास में नहीं दिखेंगे। चलो थोड़ा सा पुदीना लेते हैं और इसमें ऐसे इसकी इसको पुदीने को पकड़ के ऐसे करके इस पर डाल देना है। इसकी लकड़ियाँ सही नहीं होती है, जिसलिए हम इसकी लकड़ियों को यहाँ पे डाल देंगे। अब मैं मेरे चप्पल को और भी इसमें रख लेता हूँ, देखो और भी पीछे रखी है मैंने। अब मैं इसको इसमें रखता हूँ और इसके पत्ते तोड़ के तोड़ देता हूँ। पूरे पत्ते सही से हम निकाल देंगे, ये सही से सूख चुका है, सही से सूख चुका है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी हो पा रहा है ये। अब हम इसको लेके हाथों में थोड़ा थोड़ा पीसना शुरू करेंगे। हम अब इसको ऐसे लेके ऐसे पीसना शुरू करते हैं। शराब नहीं पीनी चाहिए और उससे लीवर खराब होता है, शराब बहुत पैसों की भी आती है। गुटखा भी नहीं खाना चाहिए, कोई हानिकारक चीज़ नहीं खानी चाहिए, वो घर में उससे लड़ाइयाँ भी होती है, लीवर भी निकलवाने पड़ते हैं, फ्रीजर लगवानी पड़ती है, लीवर भी खराब होते हैं उससे, इसलिए लड़ाइयाँ भी होती है ना, आदमी बीवी बच्चे को मारता है। देखो मेरे पीछे बस थोड़ी देर में मोर आने ही वाला है, देखो वो आ भी गया है, आप भी देख सकते हो नेशनल बर्ड को।
हमने अभी पुदीने को सही से पीस लिया है, ये देखो कितना साफ हो गया है पीस के। चलो हम अब इसको डिब्बी में डाल लेते हैं, इसको कभी भी छाछ के साथ मिला के पी सकते हैं और दही में भी मिला के पी सकते हैं, और पुदीने की शिकंजी बना के भी इसको पी सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों आज हम पुदीना शरबत बनाने जा रहे हैं।